कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा, साधुओं से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, 7 लोग घायल। बताते चलें कि राजस्थान से साधुओं से भरी एक TUV कार उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक आश्रम के लिए चली थी। कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र के अमोलर के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचते ही कार का अगला टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार चालक सहित 4 साधु और उनके 2 चेले घायल हो गए, जिनको यूपी डाक कर्मचारी और पुलिस की मदद से कन्नौज तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां एक साधु की हालत नाजुक होने पर उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सर, क्या घटना थी आज की? ये घटना जो है, हम एक गाड़ी से राजस्थान के किशनगढ़ से 7 लोग चले थे, जिसमें 5 महात्मा थे, 2 ड्राइवर थे, और ये तालग्राम के पास जो है गाड़ी का अगला टायर फट गया, इससे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। इसमें जो बैठे थे 7 लोग, हल्की फुल्की चोट सबको लग गई है। एक लोगों का हाथ जो है फट गया है, तो उनको यहाँ से कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। रेस्ट जो 6 लोग हैं, उसमें 2 लोग और 4 लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो सब भी ठीक स्थिति में है, किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। केवल एक ही के लिए समस्या है, जिनको कानपुर रेफर किया गया है।